पाँच नंबर का चैप्टर आपके बोर्ड में अभी न्यू सिलेबस की अकॉर्डिंग है, वैसे तो ये पाँच नंबर है लेकिन लाइफ में बहुत काम है ना, इकोनॉमिक्स से अच्छे से अपन करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हु इज़ कंज्यूमर, बिल्कुल लाइन टू लाइन नोट्स बनेंगे ना, हु इज़ कंज्यूमर स्टार्टिंग में, यानी कि चैप्टर का नाम है उसी के अकॉर्डिंग, उपभोक्ता किसे कहते हैं ये सब जानते हो। कंज्यूमर बिल्कुल देखो इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल अच्छे समझना मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये मार्कर है, मैं कोई शॉप पे गया और इस मार्कर को खरीद के लेके आया, मतलब मैं क्या हो गया उसके लिए, उस दुकानदार के लिए मैं कंज्यूमर हो गया। मतलब मैंने इसके बदले इसको क्या दिया, जो भी इसकी मनी थी, इसका जो भी इसका प्राइस था, मैंने उसको दिया, पैसा दिया और इसको लेके आ गया। यानी कि व्हेन अ पर्सन कंज्यूमर्स एंड रिसीव्स इट by getting the value of an object या फिर कोई सर्विस, ही इज़ अ कंज्यूमर। यानी कि अगर जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा, देखो यहाँ पर मेरे पास वस्तु है, ये भी क्या लाया था मैं, वस्तु एक ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु या फिर सेवा बताता हूँ अभी, उसका मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। पैसा दे के ले लेना उपभोक्ता कहलाता है, चीज़ के बदले पैसा दे दिया, बात खत्म। अब एक सेवा, इसी में एक ही बात है, वस्तु या सेवा, सेवा के भी पैसे होते हैं। जैसे अपन की कोई सेवा करने आता है, सेवा नसंस कोई भी हो सकती है, हेल्प सर्वेंट, कोई भी काम करने या फिर जॉब, जो भी आपके घर में कुछ अपने कुछ काम करवाया, उसने हमारे कोई सेवा करी, हेल्प करी, कुछ भी करी, हमने उसके बदले उसको पैसा दे दिया, तो वो भी किस में आता है, कंज्यूमर। वो भी अपने लिए क्या हो गया, कंज्यूमर, उपभोक्ता हो गया। बहुत ईजी है ना, सब ध्यान में बिठा लेना इस बात को, क्योंकि ये वर्ड्स बड़े डिफिकल्ट जो होते हैं ना, ये आगे मुश्किल पैदा करेंगे वरना। ओके, ये तो सिंपल है कि कंज्यूमर होता क्या है, उपभोक्ता होता क्या है, जब अपने लिख देंगे। लेकिन अब जो आपकी बुक में अपने कोर्स में एक चीज़ हो रहा है, एक हमारे लिए इनका एक एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कंज्यूमर एक्ट 1986, यानी उपभोक्ता अधिनियम 1986, ठीक है, उपभोक्ता अधिनियम 1986 बना हुआ है। तो ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, अगर सिर्फ पूछे हु इज कंज्यूमर तब तो वो लिख देंगे, लेकिन ये पूछेगा कि इस एक्ट के अनुसार, यानी उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है, ठीक है, कंज्यूमर एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन है, फिर आप क्या लिखेंगे, वो है तीन डेफिनेशन। मतलब इस एक्ट ने तीन जनों को, तीन केस में, समझ पा रहे हो, या तो तीन केस बोल दो, चाहे तीन जनों को, तीन केस में कंज्यूमर माना है। वो कौन कौन से केस है, कौन कौन से तीन बातें हैं जिसमें कंज्यूमर माना है, इसने उपभोक्ता माना है, उसको उपभोक्ता माना है किसको, कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान कर दिया हो या फिर भुगतान करने का वचन दिया हो, यानी कि पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी आइटम्स या सर्विस ऑफ हैज प्रॉमिस टू डू सो। यानी कि अगर जैसे मैं इस चीज़ को खरीदने के लिए शॉप पे गया और शॉप से मैंने इसको खरीद लिया, लेकिन उस टाइम पर मेरे पास पैसे नहीं थे, सपोज़ पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या कहा कि मैं आपको कल इसके पैसे दे दूँगा, नसेंस मैंने उसको वहाँ पर क्या कर दिया, इसका जितनी भी इसकी वैल्यू थी मैंने उससे प्रॉमिस करके आ गया। वो भी इस एक्ट ने कहा मैं उस केस में कंज्यूमर होऊंगा, तो मैं उस टाइम पर क्या होऊंगा, उपभोक्ता होऊंगा, ये इस एक्ट की बात है। चलो ठीक है, आप भी समझ गए होंगे, उस टाइम पर अपन क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे। सेकंड, ए पार्शियल पेमेंट ऑफ द रिवार्ड या फिर हैज कमिटेड ए पार्शियल पेमेंट, यानी कि मूल्य का आंशिक भुगतान कर दिया हो या फिर आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। सपोज मैं इसको लेने गया था, ठीक है, उसने कहा कि 20 रुपये दो, 30 रुपये दो, 30 रुपीज़ दो, 30 रुपये मांगे, मैंने कहा यार मेरे पास तो 20 ही है, आंशिक का मतलब है, यहाँ पर पार्शियल का मतलब है थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा मेरे पास तो 20 है, 10 मैं कल दे दूँ, मतलब उस टाइम पर भी मैंने कल देने का वचन किया, प्रोमिस किया है, वो भी उपभोक्ता माना जाएगा, कंज्यूमर माना जाएगा। बात समझ में आ गई, ओके। तीसरी बात है पेमेंट प्रोमिस्ड एज पर द लेट पेमेंट मेथड, ये तो आपने सुना ही होगा कि मूल्य का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो। कहीं कहीं अपन कहा कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, तो उसने कहा नहीं आपको तो आज ही देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझना पूरी प्रोसेस को, है ना, तो बोले आज तो मेरे पास नहीं है, तो बोले ठीक है फिर 2 दिन बाद दे देना, आपको ये जो आज 30 देने थे वो आपको 32 देने पड़ेंगे, 2 रुपये आपके विलंब चार्ज होगा, यानी कि वो आपके ऐसा मानो कि लेट मनी, लेट फीस होती है ना, वैसा आपकी लेट फीस होगी, ये लेट पेमेंट मेथड है, लेट फीस लगेगी। तो मतलब जो आज 30 का था वो कल या परसों 2-3 दिन बाद में 32 या 35 रुपये का होगा, ये मेथड है। जैसे अपन लाइट का बिल पे करते हैं तो बिल आता है कि भाई अपन को 10 तारीख को पे करना है, 10 तारीख को अपन ने उसको बिल को नहीं भरा, बिल नहीं पे किया, तो क्या होगा, उसके 5-7 दिन बाद डेट और दे रखी होगी कि वहाँ तक अगर भरोगे तो आपको 20 रुपये 30 रुपये वो चार्ज लगेगा, सेम मेथड वो है, उस मेथड के अकॉर्डिंग में आप पेमेंट करोगे तो भी आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कहलाओगे। तीनों बात समझ में आ गई ना,
वेरी गुड, क्योंकि समझने वाली बात है इसलिए समझना अच्छे से। फिर एक छोटी सी बात मैंने नोट लिखा है, ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ना, इस नोट को अच्छे से समझना। ये नोट ये है कि जो इस एक्ट है, ये कंज्यूमर एक्ट जो है, इस एक्ट ने, पूरी बात सुनना, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट, टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, इस एक्ट ने कहा कि दो तरह के, इस एक्ट के अकॉर्डिंग दो तरह के कंज्यूमर होते हैं, एक तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स, एक कंज्यूमर ऑफ सर्विस, यानी कि एक तो माल का उपभोक्ता, एक सेवा का उपभोक्ता। बिल्कुल सही है, मैंने आपको डेफिनेशन बातें बता दी। कैसे? माल का मतलब जैसे ये माल है, मैं गया और इसको लेके आ गया, तो ये हो गया गुड्स का, कंज्यूमर ऑफ गुड्स हो गया मैं उस शॉपकीपर के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पैसे दे के चीज़ ली, ये ऑब्जेक्ट गुड्स माल हो गया। फिर या फिर होता है कंज्यूमर सर्विस, अपन किसी को सर्विस सेवा करने जा रहे हैं, मतलब किसी की नौकरी करने जा रहे हो या फिर कुछ हेल्प करने जा रहे हो, जो जैसे ऐसे मान लो कि अपने घर में कोई काम चल रहा है, मकान बिल्डिंग बन रही है, तो अपन लेबर लाते हैं, तो लेबर हमारी सेवा करती है, मतलब यहाँ पर आके काम करती है, हम उसके बदले उसको पैसे देते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो वो हो गया कंज्यूमर ऑफ सर्विस, दो तरह के कंज्यूमर इसने माने हैं, दोनों ही वैलिड है। समझ में आ गई? अलग 7 मार्क्स में आए तो लिख देना, ओके। फिर एक शब्द हमें बार बार यूज कर रहा हूँ, वो है व्यक्ति। व्यक्ति थी, ये व्यक्ति कौन है? जरूरी थोड़ी व्यक्ति ही हो। इस अकॉर्डिंग टू इस एक्ट ने ध्यान से समझना, व्यक्ति किसको माना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस उपभोक्ता अधिनियम के अनुसार व्यक्ति कौन है, हु इज पर्सन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट 1986। तो अब इस अकॉर्डिंग देखो व्यक्ति कौन होगा, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड फर्म, मतलब जैसे कि आप कोई चीज़ लेने गए शॉप पर, तो उस टाइम पर वो आपकी कोई फर्म हो, फर्म का मतलब कोई प्राइवेट कंपनी, मान लो इसके अंदर सपोज स्कूल हो, कोई सी स्कूल प्राइवेट हो, चाहे वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर हो, चाहे ट्यूशन सेंटर हो, कोई सा भी, ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो रजिस्टर्ड हो या फिर रजिस्टर्ड नहीं हो, कोई बात नहीं, अगर वो कोई शॉपिंग या खरीदारी करता है तो वो भी क्या कहलाएगा, वो एक पर्सन है। अब वो पूरी फर्म है, पूरी फर्म मतलब पूरी स्कूल है, सपोज स्कूल के नाम से कोई चीज़ जा रही है तो एक व्यक्ति कहलाएगा वो भी। सपोज कोई स्कूल है और उस स्कूल के नाम से 10 किलो चीनी गई, एग्जांपल 10 किलो चीनी गई, शुगर गई, तो वो उस स्कूल के नाम से, मतलब उस स्कूल को सिर्फ एक व्यक्ति माना जाएगा, यानी कि इस अकॉर्डिंग इस कंज्यूमर एक्ट ने ये बात कही है। बात समझ में आ गई? मतलब वो फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो। दूसरी, अपना संयुक्त हिंदू परिवार, यानी कि जॉइन हिंदू फैमिली, जॉइन फैमिली जानते हो, जिसमें दादा दादी, पापा मम्मी, फिर उनके बच्चे, मतलब एक फैमिली जो दादा दादी से लेके रहती हो, वो जॉइन फैमिली, उस पूरी फैमिली को भी एक व्यक्ति माना जाता है, वो भी इस एक्ट ने माना है, पर्सन है वो, व्यक्ति है। फिर सहकारी संस्था, सहकारी संस्था मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये आपने सुना होगा, कुछ बच्चे जो भी तुम कुछ छोटे हो तो समझ नहीं पा रहे होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ होती है ना, ये सहकारी समितियाँ हिंदी में बोलते हैं, ये बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगी, उन सहकारी समितियों को भी, जो कुछ तो गवर्नमेंट आदि, गवर्नमेंट आदि प्राइवेट ऐसा होती है, ये कोऑपरेटिव संस्थाएँ जितनी भी होती है वो भी इस एक्ट ने उसको क्या माना है, पर्सन माना है, ठीक है। और फिर चौथा है, व्यक्तियों का कोई संघ, चाहे समितियों के पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो, एक बहुत शब्द मैंने यूज किया पहले, पूरा सुनना, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड, तो आपके दिमाग में आ रही है रजिस्टर्ड करता कौन है, इनका भी एक डिपार्टमेंट, एक विभाग है, कौन सा, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक कानून है, इस अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट वर्ड का मतलब ये हुआ कि जो आपको रजिस्ट्रेशन करके देता है, कोई भी जैसे कोई किसी ने स्कूल खोली है तो जब रजिस्ट्रेशन करवाता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन होता है, कि जब आप स्कूल खोलोगे तो आपको इतना हेक्टर ज़मीन चाहिए, ये चाहिए, वो सब वाटर, उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही आप उसका रजिस्टर करवा सकते हो। अब लेकिन इसने क्या कहा कि व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का संघ का मतलब होता है एनी एसोसिएशन ऑफ पीपल, यानी कि ऐसा मान लो कि 8-10 एक सपोज एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के मुख्य कोई 5 मेंबर ले लिए, 7 मेंबर ले लिए, उनका ग्रुप बन गया, एक संघ बन गया, वो संघ इकट्ठे रहने वाला कोई संघ, इकट्ठे रहने का मतलब ऐसे सेलेक्ट किया, पूरी कॉलोनी ने चुना उसको, चाहे वो पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड पंजीकृत हो या नहीं तो भी वो व्यक्ति हैं। सपोज कोई कॉलोनी है, उसके 5 बंदे या फिर 10 बंदे ऐसे हैं जो इस संघ लोगों ने मिलकर चुन लिया, उनको बना लिया कि हमारा ये लोग हैं जो कहेंगे वैसा होगा, ऐसा मान लो, वो चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो फिर भी उनको इस एक्ट ने अधीन में उसको क्या माना है, पर्सन यानी कि व्यक्ति माना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लेना,
और इनकी इकोनॉमिक्स को साथ का साथ लर्न करना ही करना है, चाहे 3 घंटे लग जाएं आपको इस वीडियो को समझने में, लेकिन पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब ये होता है कि उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है, मतलब अपन कब ठगा जाते हैं। ये बेसिकली ये है कि अपन कब कोई चीज़ को कब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, ठगा जाते हैं, मतलब यार ये तो गलत आ गई, वो उसे बोलते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उपभोक्ता का शोषण हो रहा है वहाँ पर। क्या क्या कारण है, कोई 7-8 या 6 कारण 7 कारण याद कर लो, एग्जाम में 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा नहीं है ना। तो फिर भी मैंने 9 कारण लिखे हैं, बहुत ईजी, 9 के 9 आपको पता है, 9 के 9 हाथों हाथ लर्न हो जाएंगे। कैसे, देखो पहला है कि परचेज विदाउट रिगार्ड टू द क्वालिटी क्वांटिटी एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द आइटम्स या फिर सर्विस, यानी कि आपको वस्तु या सेवा की गुणवत्ता मात्रा शुद्धता आदि पर ध्यान दिए बिना ही खरीद ली, ना तो आपने उसकी गुणवत्ता देखी यानी कि ना तो क्वालिटी देखी, ना क्वांटिटी देखी कि 1 किलो है या 1.25 किलो है, आप तो 2 किलो समझ के लिए आए, शुद्धता नहीं देखी, एक्यूरेसी क्या एक्सेट्रा, इन चीज़ों पर बिना ध्यान दिए आपने उसको खरीद लिया, ठीक है, तो आप उस टाइम पर ठगा गए। पहली बात समझ में आ गई। तो हमेशा अपन को क्या देखनी चाहिए कि अपन जिसका भी जो भी उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है, एक्यूरेसी या स्टैंडर्ड देखना है। स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं मानक, शुद्धता के बाद मानक, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा, ISO ISI ऑल मार्का वगैरह होता है, तो जिस पर ISI मानक हो स्टैंडर्ड उसे बोलते हैं, अगर वो लगा हो तो समझ लेना वो चीज़ क्या है, एक अच्छी ब्रांडेड चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है, ISI ऑल मार्का होता है वो। सेकेंड द सिलेक्शन ऑफ द, अब एक प्रॉब्लम ये तो आपने नॉर्मल देखी भी होगी कि जैसे अपन कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो आप कोई शोरूम में जाते हैं, बड़े शोरूम में चले गए या फिर कहीं पर चले गए जहाँ पर बहुत सारा चीज़ें हो, तो अपन को अगर शर्ट खरीदना है या फिर जीन्स खरीदनी है तो वहाँ पर क्या होता है, वो अपन को 10-15-20 दिखा देता है, और इसके अलावा दिखाने की बात नहीं, अपन खुद शोरूम में देख लेते हैं, तो इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि द सिलेक्शन ऑफ राइट थिंग या फिर सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल, यानी कि इतनी ज़्यादा वस्तु या सेवा विभिन्न प्रकार की उपलब्ध होती है कि सही वस्तु का फिर चयन नहीं हो पाता, ठीक है। ये भी हैं, बहुत सारे ऑप्शन है कि कौन सी ब्रांड की खरीदें, कौन सी, यार वो तो इतनी सस्ती दे रहा था, उसमें अपन गए थे तब तो वो दे रहा था, ऐसी चीज़ें होती रहती है, फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो तो 800 में आ रही थी, ये 1500 में आ रही है शर्ट, या फिर जो भी ये 2000 की, मतलब अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे अवेलेबिलिटी है मार्केट में। ये भी एक कारण है, ज़्यादा होना भी एक कारण है। तीसरा, अपन कब गड़बड़ हो जाती है अपने साथ, वस्तुओं से संबंधित लिखित और अलिखित पूर्ण जानकारी नहीं होती, ये आपने देखा अभाव होता है, लैक ऑफ रिटन या फिर अनरीडेबल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द आइटम, उस पर लिखा ही नहीं रहता कि इसकी ये गारंटी है, ये वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें लिखी नहीं रहती, और जब अपन वापस लेके जाते हैं तो वो कहता है भाई साहब नहीं तो लिखा हुआ नहीं इसके ऊपर, हम ये नहीं कर सकते, मतलब कि लिखित और अलिखित पूर्ण जानकारी कंप्लीट नहीं होती, उसका अभाव होता है, लैक ऑफ रिटन, ठीक है। चौथा, अभी तक तीनों याद हो गई होगी, सब सुनी हुई सुनी है। चौथा, बिलीविंग इन रिटर्न एंड पब्लिसिटी ऑन द पैकिंग ऑफ आइटम्स, हाँ ये सब के साथ होता है, वस्तुओं की पैकिंग लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेते हैं लोग, उसके ऊपर लिखा हुआ है सपोज अभी महीना ना अक्टूबर है तो उस पर लिखा हुआ है अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, ऐसा लिखा हुआ है, और उस लिखी हुई चीज़ पर अपन विश्वास कर लेते हैं लोग, तो उस पर कैसे भी तो लिखवा सकते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसकी क्वालिटी वगैरह वो ISI वाल मार्का देख के लेना चाहिए, बिल लेना चाहिए, ये सारी बातें हैं, तो उस पर विश्वास कर लेते हैं अपन लिखी हुई डेट पर, तो भी अपने को यहाँ पर क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। पांचवा, उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना, ये बड़ा कारण है, हालांकि अब आजकल पढ़े लिखे सब है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर द कंज्यूमर नॉट बीइंग एजुकेटेड, बहुत सारी जगह पर कंज्यूमर जो है वो एजुकेटेड नहीं है, तो एजुकेटेड नहीं होंगे तो उनको तो फिर उल्लू कोई बना सकता है, वो उसी जन देख नोट नहीं कर पाते और वो वहाँ पर ठगा जाते हैं। छठा, क्रय की गई वस्तु के मूल्य भुगतान की रसीद, ये बड़ा कारण है, रसीद और बिल नहीं लेते, नो टेकिंग परचेज रिसिप्ट ऑफ कैश या बिल पेमेंट ऑफ वैल्यू द गुड्स, कोई भी चीज़ खरीदी उसका बिल लिया ही नहीं, रहने तो कोई बात नहीं, बिल लिया लिए बिना आप कहीं कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे, उपभोक्ता उसका कोर्ट में जाओगे अपने शिकायत दर्ज कराने, तो सबसे पहले जाते ही वो आपसे कहेगा लाओ बिल, अब बिल तो है ही नहीं आपके पास, तो जब बिल नहीं है तो फिर आपके उस वैल्यू उस वो शिकायत भी दर्ज नहीं होगी, तो हमेशा किसी भी चीज़ का बिल लो ताकि चेंज भी हो सके, सारा कुछ उस पर कंप्लेंट भी लिखाई जा सके, सारी बातें, बिल लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिल बोल दो, कैश की रिसिप्ट बोल दो, कोई भी ना। सातवां, शिकायतों का शीघ्र निर्णय नहीं होना, ये भी है, नो क्विक
डिसीजन इज टेकन अगेंस्ट कंप्लेंस। अपन ने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, उपभोक्ता कोर्ट के अंदर अपन ने अगर शिकायत दर्ज करा दी अदालत के अंदर, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जल्दी से डिसीजन लिया ही नहीं जाता, जल्दी शिकायतों, खूब सारे लोगों की शिकायतें करते ही नहीं, मतलब सुनते ही नहीं है। रीज़न क्या है बताता हूँ कि सपोज बहुत बड़ा शोरूम है ना, तो जितने बड़े शोरूम होंगे, जितने बड़े बिजनेसमैन होंगे, जितने बड़े उद्योगपति होंगे, उनका गवर्नमेंट पर कंट्रोल होता है, समझ पा रहे हो, उनका गवर्नमेंट पर कंट्रोल होता है, सरकार उनकी उनकी बात मानती है। तो जब उनकी अपन कंप्लेन लेके जाएंगे तो वो अपनी नहीं सुनेंगे, वो अपन को टालम टाली करते रहेंगे और आखिर में तंग हो जाता है बंदा कि छोड़ रहे यार क्या, समझ गए होंगे आप। तो क्योंकि डिसीजन नहीं लिया जाता, फिर लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग कंज्यूमर्स, यानी कि उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना, ये बात भी है। सारे कंज्यूमर अगर इकट्ठे हो जाएं कि अब तो इससे कोई शॉपिंग करनी नहीं है, अपने आप वो सुधर जाएगा, लेकिन कोई कहीं से लेता है, कोई कहीं से, अपने अपना सब बिजी है। मतलब कि ये भी है, ऑर्गेनाइजेशन अमंग कंज्यूमर्स इकट्ठे नहीं है, संयुक्त, मतलब कि उसे हिंदी में बोलते हैं संगठित नहीं है, समझ पा रहे हो। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, अपन खरीदार। नौवां, ये मैंने अभी समझा दिया आपको कि सरकार पर पूंजीपतियों या उद्योगपतियों का प्रभाव होना, यानी कि द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट या फिर ऐसा मतलब इंडस्ट्रियलाइजेस्ट ऑन द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, इन गवर्नमेंट के ऊपर, इनका पूंजीपतियों यानी पैसे वाले लोगों का, बिजनेसमैन का गवर्नमेंट के ऊपर क्या होता है, एक तरीके से ऐसा मान लो कि प्रेशर होता है और पूरा का पूरा उन पर प्रभाव होता है। इस वजह से वो उनकी शिकायत अपनी, अपन जब कराने जाते हैं तो नहीं दर्ज करते। बहुत ईजी है, आई थिंक आपको 6-7 ऐसे याद हो गए होंगे, बहुत सारी बात सुना भी होगा, बस एक मैं लिखने का तरीका बता दिया, पॉइंट बना के आपको लिखना है, ठीक है। फिर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वो यूँ कह रहा है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो उपभोक्ता शोषण है उसके प्रकारों का वर्णन करो। इतनी देर तो अपने रीजन पढ़े थे कारण, अब कितनी तरीके से वो हमारा शोषण होता है कंज्यूमर का। तो वैसे तो बहुत सारे कारण है, बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे क्लासेज है, लेकिन अपने कोर्स के अंदर दो क्लास में इसको डिवाइड किया, इकोनॉमिक्स के अंदर इसको दो प्रकार से बताया है। एक्सप्लॉयटेशन इज डिवाइडेड इन टू क्लासेस, यानी कि उपभोक्ता शोषण के दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला गुड्स और आइटम्स, यानी कि वस्तु और माल या वस्तु, एक बात है माल या वस्तु। अब कैसे वो अपन को लूटते हैं, कैसे कैसे ठेका जाते हैं। पहले प्रकार तो ये कि तौल, मात्रा, वजन या माप में कमी करना, प्रकार है मतलब वो कि कौन कौन से टाइप्स आपको लूटेंगे। पहला कि वेट, वॉल्यूम एंड लेस इज मेजरमेंट देन शॉन, यानी कि उसको कम कह देना। सपोज 1 किलो का था, है ना, यानी 1000 ग्राम था, सपोज 1000 ग्राम था, तो हो सकता है उसको 940 ग्राम दे दे, तो 60 ग्राम खा गया, बात समझ में आ गई ऐसे। दूसरा, बताई गई या दर्शाई गई किस्म का ना होना, नॉट टू बी डिस्क्राइब्ड और स्पेसिफाइड। इसमें क्या होता है कि जो दिखाई गई है कोई भी किस्म हो, किस्म का मतलब कोई भी वैरायटी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको दिखाया सपोज एप्पल का था, बट उसकी कॉपी निकली कुछ अलग निकला, मेरा एग्जाम्पल लेने का मतलब इजीली समझ पाओ बस। तीसरा, अशुद्धता या मिलावट होना, इम्प्योरिटी और एडल्ट्रेशन, ये तो बहुत बार होता है कि अशुद्ध यानी इम्प्योरिटीज होती है उसके साथ मिलावट, बहुत ज़्यादा मिलावट, तो खैर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अखबार में आती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में मिलावट आने लग गई। फिर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल कर लेना, उसके ऊपर लिखा हुआ था 520 रुपये सपोज, अपन से उसने कहा कि 530 दे दो, घर जाके देखा यार रेट तो 520 लिखी हुई, MRP 520 से 530 कैसे ले ली, ये भी एक इस तरीके से भी वन ये टाइप में आता है। टू रिकवर मोर देन फिक्स प्लेस, सॉरी फिक्स प्राइस है भैया, ठीक है फिक्स प्राइस। फिर नेक्स्ट, वस्तु की क्षमता व गुणवत्ता में कमी, बिल्कुल सही है, लेस इन कैपेसिटी एंड लो इन क्वालिटी देन मेंशनड, वो क्वालिटी ना होना जो ऊपर लिखी हुई थी, जो हमने ऊपर देखी थी लिखी हुई, उस गुणवत्ता का ना होना, उस क्वालिटी का नहीं होना। और क्षमता, वस्तु की क्षमता, जैसे कह दिया कि भाई साहब आप इस पेन को ले जाओ, एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपके लिए 10 दिन चलेगा, शानदार चलेगा, लेकिन वो 5 दिन में ही ख़त्म हो गया, 5 दिन ही चला, एग्जाम्पल ये है, यानी कि 5 दिन ही चला, तो इसका मतलब उसकी क्षमता क्या है, कम है, जबकि उसने गारंटी कितने के लिए 10 दिन के लिए थी, इस तरीके से। फिर छठा, वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाना, जानबूझकर छिपाना, लेकिन जब उपभोग करने पर उजागर होते हैं, यानी कि डिलीबरेटली हाइडिंग द डिफेक्ट्स,
ऑफ द क्वालिटी विच आर एक्सपोज्ड ऑन कंजप्शन, यानी कि दोषों को जानबूझ कर छुपा देता है कि नहीं नहीं भाई साहब ले जाओ बहुत बढ़िया चीज़ है ये वो, लेकिन जैसे अपन घर ले जाकर यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि वाकई उसने छुपाई हमसे, वो भी एक प्रकार है। फिर है सेकंड, ये तो है फर्स्ट माल या वस्तु का, मैंने रोमन में लिखा है ना ऐसे फर्स्ट, इनमें क्या पॉइंट लिखने का भी तरीका होना चाहिए, इसको भी मैं वन लिखता इसको भी वन लिखता तो समझ में नहीं आता। यही तो तरीके हैं SST में नोट्स क्यों बनवा रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिलेंगे नोट्स इतने पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग भी ऐसे आगे वो लाइन छोड़नी है, ये तरीका अपनाना है आपको, ठीक है। फिर सेकंड है सेवा सर्विस, इसमें पहला पॉइंट है सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्तायुक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना, यानी कि जैसे अपन ने नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सेटिस्फैक्शन ऑन टाइम एज पर सर्विस कंडीशन। सपोज अपन ने क्या करा कि किसी बंदे को सेवा के लिए काम के लिए बुलाया, उसकी शर्त क्या थी कि ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज अपना घर का काम चल रहा है, ये एग्जांपल बढ़िया समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है अपने मकान बन रहे, तो अपन ने लेबर को बुलाया, लेबर मतलब कारीगर साहब आए, उनको अपन ने उन्होंने हमसे कहा था कि मैं 9 बजे आऊँगा या फिर मैं 10 बजे आऊँगा और आपसे मैं 800-900 जो भी उनकी प्राइस होती है वो लूँगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन वो उस टाइम पर नहीं आए, वो आए 11 बजे एग्जाम्पल, और उसने कहा कि मैं शाम को 5 बजे जाऊँगा या 6 बजे जाऊँगा, लेकिन वो चले गए 4:30 या 4। तो ये सब क्या होते हैं कि शर्त थी उन शर्तों के अनुसार या समय पर गुणवत्ता युक्त काम नहीं किया या फिर संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना, ये भी एक प्रकार है, टाइप है। सेकंड, इनसिक्योर रिडेम्पशन ऑफ सर्विस, सेवा का असुरक्षित और दोष मुक्त होना। कुछ सेवाएँ ऐसी होती है जो दोष युक्त होना, भाई मानिए यह है ध्यान रखना, हिंदी में बड़ा झंझट है दोष युक्त होना। कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो अपन को असुरक्षित लगती है, इनसिक्योर सी फील लगती है कि यार ये क्या बहुत बड़ा रिस्की है। सपोज अपने किसी मैकेनिकल को बुलाया और वो जैसे जो अपनी लाइट फिटिंग का काम कर रहा है, सपोज बता रहा हूँ, वो जो लाइट फिटिंग करने वाला आया उसने ऐसी फिटिंग करी कि अपन को बहुत डरावना सा लगा, जैसे कभी करंट आ रहा है कभी वो आ रहा है वगैरह वगैरह, या फिर कहीं वायर ओपन छोड़ दिए, तो इनसिक्योर अपन को फील हो रहा था वहाँ पर, वो भी इसके अंदर आता है, वो सर्विस वो भी एक टाइप है। एक है तीसरा, सुविधा या लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना, बिल्कुल से डैमेज टू फैसिलिटी और एडवांटेज, अपने चाहा तो फायदे के लिए था कोई काम लेकिन उससे अपने को लॉस हो गया, ये भी इसके अंदर होता है। चौथा, शारीरिक मानसिक बौद्धिक, ये तो रिलेटेड उसी से सेकंड पॉइंट से रिलेटेड ही है, यानी कोज फिजिकली मेंटल इंटेलेक्चुअल लॉसेज एक्सेट्रा, कि अपने किसी बंदे को बुलाया है ना लेकिन उसने अपन को ऐसा ऐसा अपने यहाँ पर काम किया सेवाई दी कि अपने फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअल सारी चीज़ डिस्टर्ब करके चला गया, परेशान करके रख दिया। तो ये सब इस तरीके से अपन अलग तरीके से अपन क्या होती है, ये सब टाइप्स है, सब क्लासेज आती है एक्सप्लोटेशन की, यानी कि उपभोक्ता के शोषण की। वेरी इंपॉर्टेंट है, इतने इतने पॉइंट लिखने हैं, एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो लिख देना, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आई थिंक छठा है क्या क्वेश्चन, मैं 6 देख लेना ना, वो कोई बात नहीं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, लेकिन बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 1986, यानी कि उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से, इसके अपने पास भाई अपन हर बार लूटे जा रहे हैं, अभी तक दो क्वेश्चन लूट गए अपन, तो अब अपन को क्या राइट्स हैं, अपन कहाँ शिकायत दर्ज कराएं, कहाँ जाएं, क्या क्या राइट है हमारे पास। तो टू प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज़ बीन मेड टू कंजर्व टू इनहेंस द कंजप्शन ऑफ कंज्यूमर्स इन सेक्शन 6, याद रखना धारा 6 है ये, सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट 1986। वैसे तो ये एक्ट बहुत बड़ा है, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, नौकरी की तैयारी करोगे, तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये आप एक्ट पढ़ने वाले हो बहुत डीपली, पूरा पढ़ाया जाएगा आपको उस टाइम पर, तो वो उस टाइम पर आप ये सारे सेक्शन पढ़ोगे उसके अंदर, लेकिन अभी अपने पास सिर्फ सेक्शन 6 पढ़ना है, धारा 6, यानी कि अधिनियम 1986 की धारा 6 में, ठीक है, धारा 6 में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान किया गया है, कौन कौन से राइट हैं हमारे पास। पहला, परिसंकटमय माल या फिर संकटमय माल एक ही बात है, के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई आप सामान या राय ऐसा लेके आए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा हो, यानी कि आप ऐसा माल ले आए जो क्या है संकटमय हो, उसके विरुद्ध आप क्या कर कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार है। लाइक अपन जब मकान बनवाते हैं, है ना,
जब घर बनवाते हैं तो घर में सीमेंट का यूज़ होता है, होता है ना, और सीमेंट में बहुत ज़्यादा आपको पता है आजकल मिलावट आ रही है, तो सीमेंट में अपने पैसा भी लग रहा है, मतलब अपना पैसा भी लग रहा है, पैसा का मतलब अपनी कैपिटल भी खर्च हो रही है, प्लस हमारे जान माल की नुकसान दोनों का हो रहा है। कैसे, जान माल का मतलब पैसा और जान का मतलब अगर सीमेंट कमज़ोर तो मकान गिर जाएगा, तो जान माल की दोनों तरह की हानि होती है। वो इसका एग्जाम्पल सबसे परफेक्ट है, वो इसी का एग्जाम्पल है, मतलब कि माल या सेवा उनके जीवन वे संपत्ति के लिए संकट पैदा करते हो वो इसमें आते हैं, लाइक कमज़ोर सीमेंट, यानी ऐसा गुड्स या सर्विसेज दैट क्रिएट रिस्क टू देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जीवन को और प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान पहुंचाए, वो इसके अंदर आता है हमारे पास, राइट है, लाइक लो क्वालिटी सीमेंट, ठीक है। दूसरा, सूचना का अधिकार, वस्तु के गुण। अब आपको ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि आप जो भी चीज़ लेने जाओ, जैसे सपोज़ ये लेने गए तो इसकी किस डेट को बना, हालांकि इसमें तो वो जरूरत नहीं, किस डेट को बना, कितनी इंक है, किस क्वालिटी की है, ये आप जानने का हक आप उसे जान सकते हो, यानी कि द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेलर, सेलर का मतलब दुकानदार जो देने वाला है, रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज क्वालिटी सॉरी क्वान्टिटी एंड प्राइजेस, बिल्कुल सही है, यानी कि वस्तु के गुण, मात्रा, शुद्धता और मूल्यों के बारे में विक्रेता से सूचना ले सकता है, ये भी आपके पास राइट है, वो मना नहीं कर सकता, मना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा, द राइट टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, वेरी गुड, यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार है। ये सिंपल है, बस यही इसका रीज़न है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना, मतलब ये है कि जैसे मार्केट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, अभी सपोज दिवाली की सीज़न आएगी, दिवाली की सीज़न रहती है, लोगों को मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको पता कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, इसने क्या लिखा कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलेगी आपको या माल मिलेगा, उस विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार है। अब जैसे ये है कि आप जैसे ही मार्केट में गए, पूरी बात को सुन, इकोनॉमिक्स है क्या, मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स फिजिक्स या मैथ्स के बराबर है, समझने वाला सब्जेक्ट है और समझने वाले सब्जेक्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये पूरी मैं बता रहा हूँ आपको, पीएचडी करवा दूंगा इस पर, समझते रहो। कहने का मतलब ये कि जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में गए तो आपने वहाँ पर कपड़े खरीदना चाहा, तो वहाँ पर देखा आपने जींस लेनी चाहिए, तो वो जींस वहाँ पर मिल रही है, सपोज अपन मान लेते हैं 2,500 की, अब वो 2,500 की जींस वहाँ पर मिल रही है, एक दूसरे शॉप पर गए आप, वो आपको इसी को 3,000 में दे रहा है, समझ पा रहे हो क्या, लेकिन उस टाइम पर आप उसे कह सकते हो कि नहीं अभी प्रतिस्पर्धी मतलब 2,500 में यही कंपनी सेम ब्रांड और जींस मिल रही है, मतलब आप उस जींस को मूल्यों पर पाने का हक है, आप इसको 2,500 में ले सकते हो उस कंपटीशन उस टाइम पर, समझ पा रहे हो, किस टाइम पर, सुनना, प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का हक है, जब प्रतिस्पर्धा रहे ना एक दूसरे के, ठीक है, उस टाइम पर यानी कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर आप ले सकते हो, सिंपल है, हालांकि वो दे ना दे वो अलग चीज़ है, लेकिन हक है, बहुत सारी चीज़ों पर सिर्फ हक ही है वो, समझ पा रहे हो ना आप, अपन को लिख के आना है, बाकी आप जानते हो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है। चौथा पॉइंट, उचित फोरमों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, ये फोरम शब्द है ना, ये एक तरीके से कोर्ट है, समझ पा रहे हो, फोरम शब्द का मतलब कोर्ट है, यानी कि राइट टू हियरिंग बिफोर प्रॉपर फॉर्म्स, फोरम्स है ये, फोरम्स का मतलब यहाँ पर कोर्ट है, अदालत है, आगे पढ़ाऊंगा मैं भी इस चैप्टर में, तो इसका मतलब ये है कि आप आपके खिलाफ आपको ऐसा कोई लगे कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आप उस उचित फोरम के समक्ष अपना ध्यान पाने का हक है, ध्यान का मतलब होता है कि आपकी बात उसके सामने रख सकते हो, उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर सकते हो, समझ पा रहे हो, ये लैंग्वेज ऐसी रहनी चाहिए, मन से मत लिख देना। पाँचवा, अनैतिक शोषण के विरुद्ध पारितोष प्राप्त करने का अधिकार, अधिनियम की धारा कौन सी है, 36 जरूर लिखना ना, जो हमारा ये एक्ट है अधिनियम है उसकी धारा सेक्शन 36 ये कहता है कि अगर आपके साथ कोई अनैतिक शोषण होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो, और पारितोष का मतलब उससे हेल्प ले सकते हो या फिर ऐसा मान लो कि उसकी कार्रवाई का रिजल्ट ले सकते हो, यानी कि राइट टू रिसीव रिवार्ड अगेंस्ट अनएथिकल एक्सप्लोटेशन, लेकिन ब्रैकेट में लिखना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 ऑफ दिस एक्ट, समझ गए, ओके। फिर छठा है, उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, बिल्कुल सही है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब देखो, हर कोई सा भी आप अपन को डिपार्टमेंट होता है, हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एजुकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट है, नौकरियों के लिए अलग डिपार्टमेंट है,
यूपीएससी आईएएस वगैरह की नौकरी की तैयारी करवाता है अलग डिपार्टमेंट है, आरएएस वगैरह की आरपीएससी करवाता है अलग डिपार्टमेंट है, हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग काउंसिल, अलग अलग परिषद हैं। वैसे ही हमारे इस कंज्यूमर के कोर्ट, कंज्यूमर के लिए भी मतलब उपभोक्ताओं के लिए भी एक परिषद है, एक काउंसिल है, द नेशनल कंज्यूमर काउंसिल के नाम से जानी जाती है, राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद, नेशनल कंज्यूमर काउंसिल। उसको ये दायित्व दिया गया है, उसको ये फ़र्ज़ दिया गया, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बार, कम से कम एक बार लोगों को उनके अधिकारों का बोध करा दें। मतलब कि ये जो काउंसिल है, हैज़ बिन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड वंस द पीपल आर सेंसिटाइज्ड टू देयर राइट्स। मतलब कि एक बार ये बता दे कि भाई आपको अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो आप यहाँ यहाँ जाके शिकायत दर्ज करा सकते हो। इसे बोलते हैं कम से कम एक बार क्या करें, उनके अधिकारों का बोध करा दे, मतलब उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में बता दे। ये उसे बोलते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कि कंज्यूमर को एजुकेट करना। क्योंकि अपन पढ़े लिखे भले ही हो लेकिन ये नहीं पता होता कि इसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं, समझ पा रहे हो ना। इस रिसिप्ट लिए क्यों था, उससे क्या हो जाएगा, उसका पता भी तो होना चाहिए ना इस रिसिप्ट के, इस केस को कहाँ लेके जाऊँ। ये इस चीज़ का कम से कम ये काउंसिल परिषद का दायित्व है कि वो अपन को बताएं, समझ पा रहे हो। तो ये इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपका टॉप 6 पॉइंट सेलेक्ट करें। बस थोड़ा सा एक दो फैक्ट जरूर ध्यान रखना, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग है। अब मैं ये अपना एक्ट वही है, कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 1986, यानी उपभोक्ता संरक्षण नियम कानून 1986, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है। राइट द कंज्यूमर राइट्स, यानी कि जो कंज्यूमर होता है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। भाई अपन देखो कि रोज़ाना अपन ऐसे लूटेंगे नहीं, तो फिर कुछ तो अपने भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ राइट्स हैं, है कि नहीं। ड्यूटीज़ है, सॉरी, कंज्यूमर ड्यूटीज़ करो, इसको कंज्यूमर ड्यूटीज़ करोगे ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। राइट द कंज्यूमर ड्यूटीज़, राइट्स नहीं, राइट्स अपने पढ़ लिए अपन, कंज्यूमर ड्यूटीज़ बनती है अपनी, कुछ कर्तव्य हैं कि भाई इन इन बातों का ध्यान रखो तो अपने आप नहीं लूटोगे आप, ठीक है। तो ये बातें तो अपन को फॉलो करनी पड़ेगी कि उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होगा, द फॉलोइंग ड्यूटी शुड बी फॉलोड, कौन कौन सी। पहली, भाई जैसे आप सामान लेने जाते हो तो क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद ले लो या इसका बिल ले लो, इसका विवरण आवश्यकता रूप से आपको प्राप्त करना ही करना है। नहीं दे रहा तो आप लो, वरना अगर वो बिल नहीं दे रहा तो आप चीज़ मत लो, ठीक है। यानी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, पेड रिसिप्ट या फिर बिल एक्सेट्रा शुड बी ऑब्टेंड नेसेसरी, ठीक है। सेकंड है, वस्तु से लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करो। भाई जैसे जो भी कोई चीज़ आपने ली तो गेट द रिटन या फिर वर्बल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गुड्स आइटम, यानी कि उस चीज़ से आप लो, उसको लिखवा के लो कि ये चीज़ इतनी तारीख को बनी वगैरह वगैरह, जो भी प्रोसेस आपको बताइए। अपन कोई भी चीज़ लेके आते हैं, कहते हैं ना इसकी इतनी इतनी गारंटी है, तो अपन उस गारंटी कार्ड में लिखवा के लाते हैं ना कि आज दे रहे हो, कब कब तक वैलिड है वगैरह वगैरह, वो सारी बात अपन को रिटर्न रखनी चाहिए। और तीसरा मेन सबसे इम्पोर्टेंट वो है, अपन को ये हॉलमार्क देखने चाहिए, ये किसी चीज़ पर, जैसे मेन ISI हॉलमार्क का होता है, वस्तुओं से श्रेणी तथा गुणवत्ता के चिन्हों जैसे ISI, AZ, ISO, AFPO, ECO आदि पर पूरा ध्यान देना चाहिए। फोकस ऑन कैटेगराइजेशन एंड क्वालिटी मैक्ड सच एन ISI, AZ, ISO, FPO, ECO एक्सेट्रा, इन सब का, ये ISI हॉलमार्क है, अपने सारे हॉलमार्क होते हैं, इन हॉलमार्क को अपन को देख के लाना चाहिए, ये चीज़ की उस जो भी चीज़ ले रहे हैं उसके बने हुए हैं क्या, ठीक है। अब देखो वैसे इसके अंदर जाएंगे तो पूरा GK का पार्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट है, आपको इसको नहीं पढ़ना कौन सा ISI हॉलमार्क का कब बना, 1987 बना वगैरह वगैरह जनवरी में, लेकिन उस उतनी डिटेल में आपको जाना नहीं। जितनी ज़्यादा डिटेल जाओगे SST का तो एंड नहीं है ना, अपन को उतना ही जो आपके लेवल है बस, उससे मैं थोड़ा नॉलेज जरूर करवा दूंगा। तो ये हॉलमार्क के होते हैं, बस एक दो याद कर लेना जो आपको याद, ISI जरूर याद रख लेना और एक दो याद कर लेना, ठीक है। ISI हो गया, ISO हो गया, ठीक है। फिर चौथा, वस्तु व सेवा में कमी या दोष अगर आपको लग रहा है तो विक्रेता की तुरंत सूचित कर दें या फिर हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करें जिससे आप लेके आए हो। इफ देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द गुड्स, अगर उसमें डिफेक्ट हैं या सर्विस, तो आपको एंड सर्विसेज दोनों के अंदर, तो इमीडिएटली इन्फॉर्म द सेलर एंड डिमांड कंपनसेशन फ्रॉम द लॉस, और उसे ये कह दो कि भाई ये आपने जो मुझे चीज़ दी थी उसमें ये नुकसान है, ये मतलब नुक्स है, मैं मुझे इसका नुकसान हुआ है, आप मुझे इस नुकसान के बदले में पैसा दे दो वरना मैं आपकी शिकायत करूँगा। ये भी आप उसको तुरंत सडनली, ठीक है, कह सकते हो, इमीडिएटली कह सकते हो। पाँचवा है,
अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज और प्रमाण जुटाएं। भाई जैसे आप कहीं पर शिकायत दर्ज कराना चाहते हो तो उससे पहले डॉक्यूमेंट तो लो कि भाई मैंने इतनी तारीख को ये इस शॉप से ली, उसका डॉक्यूमेंट नेसेंस बिल और रिसिप्ट कलेक्ट कर लो, इतना वेट की ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये उसकी पैकिंग थैली वैली जो भी है डिब्बा ये है सब, उनकी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो ताकि जो आप इन्फॉर्मेशन सॉरी वो कंप्लेन दर्ज करने जाओगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, पुष्टि में दस्तावेज और प्रमाण जुटाने जरूरी है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल वन मार्क्स में आ सकता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे मनाया जाता है। 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज कंज्यूमर डे इंडिया, भारत के अंदर, ठीक है। 24 दिसंबर को भारत में लिख सकते हो, हिंदी वाले भी, भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल है, वन मार्क्स में आ सकते हैं, मनाए जाते हैं। अब एक दसवां क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, क्वेश्चन और आंसर मिक्स है, यहाँ से वन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ सीधा याद करना है, ऑन दिसंबर 24, 1986। अब बताऊंगा मैं 24 दिसंबर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखो 24 दिसंबर 1986 को हमारे संसद के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ था, एक एक्ट या कानून पास हुआ था, कौन सा, वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण कहा गया, हाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हमारी पार्लियामेंट के अंदर 24 दिसंबर 1986 को पास हुआ था। ये बिल क्या है, इसी बिल के जरिए हम हमारी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ये हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और ये 24 दिसंबर को पास हुआ था, इसीलिए इसी दिन से अपन कंज्यूमर डे यानी कि 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, सिंपल है। फिर 11वां क्वेश्चन और है कि जो ये नियम बना, ये एक्ट बना, जो कानून बना, ये कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में तीन स्तरों पर आप उपभोक्ता का विवाद की व्यवस्था दी गई, निवारण की। भाई जैसे कोई विवाद हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अरेंजमेंट फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैज़ बिन अरेंज्ड एट थ्री लेवल्स, तीन लेवल पे आपकी बात को सुना जाएगा। तो वो तीन कौन कौन से लेवल है, एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, तीन स्तर पर आपको कैटेगराइज कर रखा है इस एक्ट ने, तीन स्तर पर आपकी सुनवाई होगी, फिर देखा जाएगा कौन सा केस किस लेवल तक का है। जिला स्तर पर भी सोचना हो सकती है, बड़ा केस है तो अपन राज्य स्तर पर बात कर सकते हैं, और बड़ा केस स्टेट यानी सेंट्रल लेवल तक भी अपन जा सकते हैं, नेशनल लेवल तक भी अपन जा सकते हैं। बस इसमें सिंपल यही वन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन जो बनेगा वो है तो इसी से रिलेटेड, वो ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान में क्या क्या प्रावधान है उसके, समझ पा रहे हो, तो वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इसको इतना ही लर्न करना है, इसमें ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं दे रखा, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, ये क्वेश्चन आंसर मिक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर वन मार्क्स में आए, ये क्यों लिखता हूँ कभी मिक्स, ये क्वेश्चन कैसे ही पूछे तो आपको आंसर यही लिख आना है कि द राजस्थान स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987। देखो मैं फिर बता दूं, एक्चुअल में जो अपने इंडिया लेवल पे, ऐसा मान लो है ना, नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू हुआ था वो तो हुआ था 1986 में, 1986 में, लेकिन राजस्थान में कब हुआ था, 1987 में। नाम वही है कंज्यूमर, लेकिन वो किस नाम से जाना जाएगा, राजस्थान स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया गया, चलो पास हो गया। अब हुआ क्या, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट टू डायमेंशनल अरेंजमेंट वॉज डन, इसके अंदर दो, जैसे उसमें अपन ने कितने लेवल रखे थे, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, इसमें दो लेवल रखे गए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यानी कि राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, दो स्तरीय व्यवस्था होगी किसकी, आपकी सुनवाई करने की, मतलब इस संरक्षण अधिनियम ने कहा एक तो स्टेट लेवल पर सुन लेंगे, मतलब जो हमारे राजस्थान का, जैसे मान लो कि स्टेट लेवल हो गया कि राजस्थान का, और स्टेट लेवल जयपुर में सुनवाई होगी सपोज, क्योंकि वो हमारी कैपिटल है, एक जिला स्तर 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 जिले हैं, तो उन जिलों में वहीं पर सुनवाई हो जाएगी, ये बात समझ गए, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन अगर आ जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ सकता है कि राजस्थान का जो एक्ट वो कब पास हुआ, तो 1987 में हुआ था, वैसे वो 1986 है, बस उसी की अकॉर्डिंग है ये भी, है ना, उसने शक्तियाँ दी, उसने पावर दी है, पूरी बात सुनो, उसने 1986 का जो एक्ट है इसने ये पावर दे रखी है कि हर स्टेट है ना, हर राज्य अपने राज्य के अंदर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर सकता है या फिर पास कर सकता है बिल को। तो हमने कब कर लिया था, बना तो 1986 में था एक्चुअल में, वो वाला जो नेशनल लेवल पे था वो, तो अपन ने 87 में, 87 के अंदर अपने राजस्थान के अंदर पास कर लिया, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन आएगा स्टेट कमीशन क्या है, राज्य आयोग, राज्य आयोग। इतना सा क्वेश्चन अगर आए तो इसको अपन को लिखना है कि राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 जो मैंने कहा ना अभी जो पास हुआ ये, इसमें भी नियम थे, नियम धाराएं मान लो सात, नियम सात के अनुसार, नियम एक, नियम दो, नियम तीन, ऐसे अलग अलग रूल्स होते हैं। जब आप थोड़े बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे थोड़े दिन बाद में, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ोगे, संविधान वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें भी नियम पढ़ोगे, अलग अलग लॉ पढ़ोगे ना, वो वाली बात है। तो अभी इतना सा याद करना है कि नियम सात के अनुसार क्या क्या नियम रखे। पहला कि राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में स्थित होगा। भाई ये स्टेट कमीशन बनाया जाएगा जहाँ पर हमारे जो उपभोक्ता हैं अगर उसका कहीं पर शोषण हो रहा है तो उसकी सुनवाई होगी। लेकिन उसमें एक शर्त है, चार नियम दिए हैं। कौन कौन से? पहली बात तो ये कि उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो स्टेट की कैपिटल मतलब राजधानी में होगा। जैसे राजस्थान का कहाँ पर होगा? जयपुर में, क्योंकि जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी है। दूसरा, ऑफिस तो हो गया, ऑफिस तो होगा राजधानी में। दूसरा, राज्य आयोग जो होगा, जो स्टेट कमीशन होगा, उसके कार्य दिवस, कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के हैं। मतलब जो नॉर्मल हमारी राजस्थान सरकार की, जो भी ऐसा मान लो कि जो राजस्थान सरकार में नौकरी करते हैं, उनके जो जो नियम है कि आज छुट्टी है तो इसकी भी छुट्टी रहेगी। समझ पा रहे हो? मतलब अगर हॉलीडे है तो हॉलीडे रहेगा, छः दिन ऑफिस तो छः दिन ऑफिस रहेगा, टाइम 10 से 5 तो 10 से 5 रहेगा, वही जो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार तय करेगी। ठीक है, ओके। तीसरा है, राज्य आयोग की जो बैठक है, यानी बैठक का मतलब स्टेट कमीशन मीटिंग कभी भी हो सकती है, लेकिन वो कौन बुलाएगा? इसका अध्यक्ष। भाई जो इसका अध्यक्ष होगा, इसका जो चेयरमैन होगा, वो ही इसको जब जरूरत पड़ेगी, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे बैठक बुलानी चाहिए, तब वो उसकी बैठक या मीटिंग या बुला सकता है। ठीक है, अध्यक्ष। चौथा, राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा, शासकीय मुद्रा और संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्देश करे। यानी कि शासकीय मुद्रा का मतलब यहाँ पर होता है मोहर, मोहर जानते हो, सील, सील मान लो, या फिर कोई लोगो मान लो, इसका लोगो वही होगा जो राज्य सरकार कहेगी। विनिर्देश का मतलब राज्य सरकार जैसी परमिशन देगी, यानी कि द ऑफिशियल करेंसी या फिर द स्टेटस ऑफ स्टेट कमीशन विल बी एज सच एज द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट जैसे डिसाइड करेगी वैसा ही उसका होगा, मन से ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जिला फोरम, वो पढ़ाता हूँ आपको, वो क्वेश्चन नंबर अपना 13 रहेगा। हाँ, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, ये सेम टू सेम ही, इसलिए मैंने पॉइंट लिखे नहीं है। जिला फॉर्म पहले समझ लो कि अकॉर्डिंग टू द रूल, उसमें तो था रूल 7, इसमें है रूल 4, बस ये चेंज है। एक तो वही एक्ट 1987 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान का है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 4 के अनुसार पहला पॉइंट चेंज है। क्या? कि जिला फोरम का कार्यालय जिला मुख्यालय में होगा, जबकि उसमें क्या था, राज्य आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी में होगा। मतलब जो स्टेट कमीशन का जो ऑफिस है वो कहाँ होगा? इसको स्टेट की कैपिटल है, राजधानी में होगा। ये बस चेंज है, बाकी दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेम वही जो राज्य आयोग में था, स्टेट कमीशन में था। तीसरा, वही जो स्टेट कमीशन में था राज्य आयोग में था। चौथा, वही जो स्टेट कमीशन में था राज्य आयोग में था, वो आपको खुद को लिखना, आलस मत करना, अभी इसके नीचे लिखोगे। ठीक है, चलो साथ के साथ याद हो जाएगा। मैं लिखता तो फिर वापस मतलब क्या था, ऐसे क्या कि आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा वही है। ठीक है, अलग से याद नहीं करना। फिर 14, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ता विवाद निवारण के क्या क्या प्रावधान है। कि सपोज कंज्यूमर डिस्प्यूट हो गया, तो अब उसके प्रोविजन क्या है ताकि वो रिड्रेस मतलब वापस से वो समाधान हो जाए। कि जैसे आपके और दुकानदार के बीच में डिस्प्यूट हो गया क्योंकि आपने उसे शिकायत लगा दी, अब क्या क्या सिस्टम है, कहाँ कहाँ शिकायत दर्ज कराओगे, वो है रूल। प्रोविजन ये है कि अगर आपकी वस्तु जो आपने खरीदी है उसकी वैल्यू या सेवा का मूल्य, वस्तु या सेवा का मूल्य, या फिर कोई हर्जाना अगर आपने लगाया कि मुझे इतना हर्जाना चाहिए, हर्जाना का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंपनसेट। ठीक है, कंपनसेट इज नॉट मोर देन 20 लाख्स। यानी अगर वो हर्जाना आपने लिया उससे, फाइन बोलते हैं शॉर्ट में, फाइन बोल दो, फाइन चाही गई या फिर हर्जाना चाही गई राशि अगर 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो आप उस शिकायत को कहाँ दर्ज कराओगे? जिला फोरम में। अभी पढ़ा जिला फोरम ये रहा, तो आप भी अगर मतलब आपका जो भी चीज़ खरीदी उसकी कॉस्ट अगर 20 लाख से ज़्यादा नहीं, ऐसा मान लो कि 20 लाख से तक, 20 लाख से कम, तो आप उसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराओगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ठीक है, दूसरी बात,
अगर उस सेवा या वस्तु का मूल्य या फिर हट जाने के लिए चाहिए राशि 20 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ से 1 करोड़ तक हो। ये तो है 0 1 रुपये से लेके 20 लाख तक, तब तो आपको जाना है जिला फोरम में, समझ गए। सेकंड पॉइंट है 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक, तब आपको जाना है राज्य आयोग में, मतलब स्टेट कमीशन में। ऐसे विवादों का निस्तारण आपको कहाँ शिकायत दर्ज करानी है? राज्य आयोग में। 20 लाख तक कहाँ शिकायत दर्ज करानी है? जिला फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। यानी कि इंग्लिश में भी समझ गए होंगे, स्टेट कमीशन अपनों कहाँ 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, ठीक है, वो स्टेट कमीशन में जाना है। तीसरा, अगर 1 करोड़ से ही ज़्यादा है, 1 करोड़ से फिर वो कितनी भी हो, 1 करोड़ से ज़्यादा कितनी भी हो, अगर वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत, फिर वो राष्ट्रीय आयोग संरक्षण आयोग, समझ पा रहे हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, कौन सा, 1986, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग यह 1986 में बना था, जो नेशनल लेवल पे था, और जो राजस्थान के ऊपर बना था वो 87 में, समझ गए। तो अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का मामला है तो फिर आप नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन के अंदर जाके वहाँ पर जाके शिकायत दर्ज आपको करानी पड़ेगी। कितना इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि अगर 0 से 20 लाख रुपये, 1 रुपये से लेकर 20 लाख के बीच में होगा तो हम जिला फॉर्म में शिकायत दर्ज करा देंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। फिर हमारी को जो हमारी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी को अगर वैल्यू 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है तो हम स्टेट कमीशन में, यानी कि राज्य आयोग में शिकायत दर्ज करा देंगे, और 1 करोड़ से लेकर फिर कितनी भी हो, 1 करोड़ से लेकर फिर कितनी भी हो, तो फिर हम नेशनल स्टेट कमीशन जो है, कंज्यूमर कोर्ट है, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, वहाँ पर जाकर शिकायत दर्ज करा देंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों आपको साथ के साथ याद भी हो गया होगा। ऐसे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखो, अपील एरियाज अगेंस्ट डिस्प्यूटेड डिसीजन, मतलब कि वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र, जैसे अपन ने समझा कि अपन ने कंप्लेन दर्ज करा दी, ठीक है, करा दी, उस पर डिसीजन भी हो गया, निर्णय हो गया, लेकिन हमें पसंद नहीं आया, हमें ऐसा लगा कि यार ये तो अपने जो किया था वो काम सही हुआ ही नहीं है, तो उसके पक्ष में चला गया, दुकान वाले के पक्ष में चला गया, कंज्यूमर जिस सेलर था उसके पक्ष में चला गया, तो फिर अपन क्या करें? तो 3 कंडीशन है, क्या क्या, कि जिला आयोग द्वारा 90 दिन, जिला फॉरम होता है डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन के पास अभी मत जाना, पूरी बात को तरीके से सुनना, पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम, पहले अपन जिले में शिकायत कराएंगे, पहले जिला आता है उसके बाद राज्य आता है, समझ गए, डिस्ट्रिक्ट पहले फिर स्टेट। तो जिला आयोग द्वारा 90 दिन की अवधि में निर्णय नहीं देने, अपने कंप्लेन दर्ज करा दी, 90 दिन के अंतर्गत कोई डिसीजन नहीं आया या फिर आ गया, दिए गए निर्णय से उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर संतुष्ट नहीं हुआ, तो वह जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध कहाँ जाएगा? राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कौन होता है? स्टेट भाई, ये जिला है, जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग, जस्ट ऊपर कौन है? राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग। यानी कि 90 दिन के टाइम पीरियड में काम नहीं हुआ या फिर हुआ लेकिन उसमें हम डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे, लेकिन स्टेट लिखना बचे, यहाँ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन, यहाँ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम सही नहीं लगा, मैं चले गए। लेकिन एक कंडीशन है, क्या, कि अपील की जो अवधि है वो 30 डेज होनी चाहिए, यानी कि जो आपका जो टाइम पीरियड है ना 30 डेज होना चाहिए अपील का, ठीक है, अपील करने का टाइम पीरियड 30 डेज होना चाहिए। कैसे, कि जैसे आपने अभी अपना रिजल्ट आता ना बोर्ड का, तो बोर्ड का रिजल्ट आता, फिर वो बोर्ड वाले क्या कहते हैं कि आपको अगर रीचेकिंग करवानी है तो 10 दिन के अंदर अंदर करवा दो, या फिर इस तारीख तक आप फॉर्म फिल कर दो, उसके बाद में क्या होता है? क्या नहीं, सेम टू सेम वही है, डिसीजन आ गया, तो अब आपके पास 30 दिन का टाइम है, उस 30 डेज के अंदर अंदर आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आपको डिसीजन वो सही नहीं लगा। दूसरा, राज्य आयोग, अब आपने अपील तो कर दी, यहाँ पर कहाँ पर करी? स्टेट पर, स्टेट कमीशन के पास, लेकिन वहाँ पर भी मामला सही नहीं लगा आपको, कि नहीं यार इसने भी डिसीजन सही नहीं दिया, तो बताओ कहाँ जाएंगे? नेशनल लेवल पर, समझ गए। यानी कि राज्य आयोग अगर निर्णय के विरुद्ध हमें कहीं जाना है तो वो जाना है राष्ट्रीय आयोग में, यानी कि अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन इन द नेशनल कमीशन, जाना है नेशनल कमीशन चले जाएंगे। भाई लास्ट ऑप्शन हमारे पास तो वही है कि राज्य में हमारे काम सही नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगा जैसे कोई मिली भगत का मामला हो, हम चले गए नेशनल के पास, यानी कि राष्ट्रीय आयोग के पास, ठीक है। अब लास्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के, अब जैसे इस राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, क्योंकि ये कौन है? नेशनल,
वहां पर भी हमें शक हो गया कि नहीं यार अभी भी दाल नहीं गली, तो फिर कहाँ जाएंगे? लास्ट ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और जो वो कहेगा उसको हर किसी इंसान को, इंडिया अगर किसी बंदे को मानना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। अपन पॉलिटी के अंदर चैप्टर 7-6 पढ़ चुके, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लास्ट होते हैं, अंतिम डिसीजन होता है उनको, वो कहेंगे जो सही है, समझ गए? तो फिर हम लास्ट गए सुप्रीम कोर्ट के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास, अपील करने का प्रावधान है। देयर इज प्रोविजन फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वापस रिवाइज कर दो, अगर आपको डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं है, पहली बात तो आप 90 दिन तक आपने वेट किया आपके डिसीजन का, 90 डेज में उसका रिजल्ट आ गया, आप संतुष्ट नहीं है, तो सबसे पहले आप जाओगे जिला फॉर्म के पास, यानी कि जिला आयोग के पास, ठीक है? जिला आयोग ने वापस रिजल्ट निकाला लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, तो फिर हम आप गए राज्य के पास, राज्य का मतलब स्टेट कमीशन के पास, राज्य आयोग के पास। राज्य आयोग ने भी सही नहीं निकाला रिजल्ट, आपको संतुष्ट नहीं हो, तो आप गए नेशनल के पास यानी राष्ट्रीय आयोग के पास, वहाँ पर भी मामला सही नहीं लगा, तो फिर आप चले गए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। बस सिंपल है ये बात। और लास्ट 16वां क्वेश्चन है कि विधिक सेवा, ये मैंने क्वेश्चन और आंसर एक साथ बनाए, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से? कि विधिक सेवा अधिनियम 1987, ध्यान रखना ये अलग है, विधिक सेवा अधिनियम 1987 भारत सरकार ने पारित किया। अभी बता दूंगा ये क्या होता है। ये कानून देखो किया तो 1987 में पास था, लेकिन ये कानून पूरे देश में 5 नवंबर 1995 को लागू हुआ, ध्यान रखना 1987 में तो बिल पास हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? 1995 में प्रभावी हुआ। इसीलिए 5 नवंबर को याद रखना, 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता था उपभोक्ता दिवस, याद है ना? और ये हैं 5 नवंबर, 5 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, अलग से 1 मार्क्स में आएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द लीगल सर्विस एक्ट 1987 इन 1987, 1987 बिल पास किया था 1987 में, लेकिन ये कब इफेक्ट फ्रॉम कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 5 नवंबर टू 1995, 5 नवंबर को ये प्रभावी, मतलब 5 नवंबर को पूरे देश में लागू हुआ। बिल तो पास हो गया, लागू कब हुआ? 1995 में। और इसलिए 5 नवंबर को अपन कौन सा डे, नेशनल लीगल सर्विस डेज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 5 को अपन मनाते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे बहुत काम आएंगे। इकोनॉमिक्स को क्या था, थोड़ा समझना पड़ता है, समझने के बाद में इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, ठीक है? तो अब मेरी बात सुनो, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और समझने वाला चैप्टर है, इसलिए अपन ने इसके 2 पार्ट बनाए मैंने आपको, ठीक है? चाहता तो इंक्लूड कर देता लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, फिर एक दिन में पढ़ भी नहीं पाते। इतना पढ़ो, 16 क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, आपने इसमें बहुत सारे फैक्ट याद करने हैं, इसलिए अपने इसका 2 पार्टीशन में डिवाइड किया इसका। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर का चैप्टर आपके बोर्ड में अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वैसे तो ये 5 नंबर है लेकिन लाइफ में बहुत काम आना, इकोनॉमिक्स अच्छे से अपन करने वाले, ठीक है?